पूरे गांव में निकाली जाएगी। प्रभात फेरी में पूज्य
महाराज श्री उपस्थित रहेंगे। सभी से निवेदन है ठीक 5 बजे एकत्रित हो जाएं, प्रभात फेरी निकाली जाएगी, साथ ही गेट पर प्रसादी की व्यवस्था है, प्रसादी लेकर ही जाए। कल श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ का समय 12 बजे, आप ठीक 12 बजे सत्संग पंडाल में उपस्थित हों। जय श्री कृष्ण। इस दिव्य कथा का चैतन्य चैनल पर प्रसारण हो रहा है।
सच्चिदानंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। उस परात्पर परब्रह्म की स्तुति के पश्चात कुछ देर कीर्तन करके अपने हृदय को पवित्र करें, शुद्ध करें और शुद्ध हृदय में इस भागवत कथामृत को स्थापित करें। कुछ देर, थोड़ी देर, आज इसे समय ज्यादा भी हो गया। पहला दिन तो खैर हर जगह लेट हो ही जाता है, तो थोड़ी देर कीर्तन और कुछ कथा की पहले दिन की भूमिका बनाकर तो चलो कीर्तन के लिए तैयार है सब। स्तुति तो हो सकता है संस्कृत में, ठीक तो आप कोई बोल भी सकता है, महाराज हमको याद नहीं है, हमको पाठ नहीं है, हमारे पास पर्चा नहीं है स्तुति का। स्तुति में तो बहाना चल सकता है, लेकिन कीर्तन में कोई बहाना नहीं। कीर्तन तो सबको आता है ना? बापू जी की ऐसी कृपा, बड़े बापू जी की ऐसी कृपा कि कीर्तन को इतना सहज सरल और सबके लिए इतना व्यापक बना दिया कि जंगल में जहाँ लाइन भी नहीं पहुंची हो वहां पर भी हमारे बापू जी की कृपा से, बाबा जी की कृपा से उस आदिवासी बंधु को भी पूछोगे हरे राम हरे राम, पूरा तुमको मंत्र पढ़कर सुना देगा। ये बापू जी की, हमारे गुरुओं की हम पर कृपा है। तो स्तुति में तो हो सकता है कि महाराज हमको याद नहीं है, लेकिन कीर्तन तो सबको आता है। तो चलो उस परम पिता परमात्मा के पावन नामों को कुछ देर कीर्तन कर ले, फिर प्यारी भागवत कथा मंत्र का श्रवण कर। हरे राम हरे Krishna, Krishna, Hare Hare।
सत्र दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का
शुभारंभ होने जा रहा है। इन सात दिनों को आप ये नहीं सोचना कि हो रही कथा जाना पड़ेगा महाराज आ गए हैं, इन सात दिनों को अनुष्ठान के तौर पर लेना कि सप्त दिवसीय ये हमारा अनुष्ठान है, सप्त दिवसीय अनुष्ठान है। और हम जिस अनुष्ठान को जितनी निष्ठा से करते हैं, जितनी श्रद्धा से करते हैं, जितने प्रेम से करते हैं, जितने विश्वास से करते हैं, वह अनुष्ठान उतना ज्यादा सफल होता है। हम जितनी निष्ठा से, जितनी श्रद्धा से इस अनुष्ठान को करेंगे, शिव भागवत पुराण में तो ऐसा आता है कि जो इस भागवत कथा को खुद अपना एक कुछ ऐसा संकल्प कर ले कि मुझे इन सात दिन, मुझे कुछ भी हो, मुझे इन सात दिनों में पूरा समय मुझे बैठकर भगवान की कथा सुनना है, तो कुछ न कुछ उसके बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। और ये सिर्फ कोई बात नहीं है कि कईयों के अनुभव है, कईयों के अनुभव है, चाहे वह अनुष्ठान साधनात्मक हो, चाहे वह अनुष्ठान जप वाला हो, चाहे वह अनुष्ठान तप वाला हो, कि चाहे वह अनुष्ठान कथा श्रवण वाला हो। कथा श्रवण भी अनुष्ठान है, धुंधकारी प्रेत बन गया सात दिन, जब गोकर्ण गोकर्ण जी ने कथा सुने, धुंधकारी कथा सुनकर तो उसका उद्धार हो, उसने तुमसे जब तक किया था धुंधकारी ने, कौन सा जब तक किया था धुंधकारी ने, एकमात्र सात दिन गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और शांत चित्त से सात दिन से भागवत कथा सुनी, लेकिन ऐसे नहीं सुनी कि इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी। भागवत में आता है सात दिन धुंधकारी ने कथा सुनी, तो कथा सुनी सुनकर रात्रि में उस कथा का निधि ध्यान करता था, मनन करता था कि आज ये जो कथा में ये जो सूत्र आया ये कथा ऐसी है। कथा तीन स्टेप से गुजरती है, तीन चरणों से होकर कथा पूरी होती है। श्रवण जो आप और बैठकर, हम यहां पर बैठकर जो सुन रहे हैं श्रवण, दूसरा मनन और तीसरा निधि ध्यान, इन तीन चरणों में जब कथा को पूरी करते हैं तब वह कथा फलदायी होती है। जिस प्रकार आपके घर में आटा हो तो सिर्फ आटा ही खाने के काम नहीं आता, या सोनखड़ी में डायरेक्ट आटा खाता हो मुझे पता नहीं, डायरेक्ट आटा कोई खाता नहीं है। आटा तभी खाने के काम आता है जब घर की माता उसे गूंथे, गूंथे गूंथने के बाद उसे तवे पर सेके, तभी वह गेहूं का आटा रोटी बनकर आती है और तभी वह आटा सुपाच्य होता है और हमारा स्वास्थ्य वर्धक होता है। कोई भाई सोचे कि आटा तो ये तो रोटी तो बनती है, ये तो पेट में ज्यादा डायरेक्ट घोड़ कर उसको खा जाता है, कोई खाता है इसका नहीं। वह भोजन भी तीन स्टेप से गुजरता है, कोई उसे गूंथता है, फिर उसकी लुबे बनाता है, फिर उसके पश्चात उसे तवे पर सेकता है, तब वह कोठी में भरा हुआ आटा रोटी बनकर हमारे भोजन करने के काम आता है। मैं तो इन सात दिनों में इस सोनखेड़ी के कहूं कि इन सात दिनों में सोनखेड़ी नहीं, श्रवण खेड़ी है, श्रवण खेड़ी सुनो सात दिन प्रेम से कथा श्रवण। एक जगह कुछ दिन पहले हम एक खरगोन के नजदीक एक जामली करके गांव के स्थान और खरगोन के बीच में एक जामली गांव है, उन समितियों का आग्रह था तो एक दिन गए वहां पर, तो जो हमारे विष्टांगिक राहुल सोनी जी हैं उनसे हमने पूछा कि भाई आप ये कथा क्यों करवा रहे हो, क्या कारण, कौन करवा रहे, क्योंकि कहीं जाने से पहले आगे थोड़ा पूछताछ तो करनी पड़ती कौन है क्या है क्या कारण है। मैं धन्यवाद दूं सोनखेड़ी वासियों को जिनकी कथा का हेतु इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि इनको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ एक गौशाला निर्माणाधीन है।
है और यह कथा के द्वारा वह अपने गौशाला के निमित्त यह कथा करना चाह रहे हैं। धन्यवाद आपसे विग्राम वासी। किसी को क्या हेतु होता है, किसी का क्या हेतु होता है, लेकिन धन्यवाद का पात्र है यह गांव जिनका हेतु इतना शुद्ध है कि हम यहां पर एक गौशाला बनर बन गए। थोड़ी सी बन गए, एक दिन आकर हमारे महाराज जी ने आकर पूजन भी किया। धन्यवाद। हमने उस भाई से पूछा, उस जामली वाले भाई राहुल सोनी जी से, कि आप हमें बुला रहे, क्या कारण है, किस लिए कथा करवा रहे? तो उन्होंने कहा, महाराज बिष्टान और खरगोन के बीच में जो गांव ली है, जामली करके गांव है, वहां एक टर्न है। बोले यहां पर हमेशा एक्सीडेंट होते, हमेशा एक्सीडेंट होते, और एक्सीडेंट भी ऐसा कि 90% ऑन द स्पॉट टर्न। आप भी कभी पूछ सकते, कोई बहुत दूर की बात नहीं बता रहा हूँ, पास का जामली गांव खरगोन बिष्टान के बीच में। उन्होंने कहा, महाराज इस जगह इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें अधिकतर तो इतने खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं कि ऑन द स्पॉट आदमी चला ही जाता है। कहीं से किसी ने उनको कहा कि अरे इस जगह कुछ न पूछे, एक काम करो, आप यहाँ पर श्री हनुमान जी के मंदिर की स्थापना करो, या हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करो, और उन हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना से यहाँ पर यह जो एक प्रकोप है, यहाँ पर यह जो घटनाएं घट रही है, ये घटनाएं शांत होगी। उन भाइयों ने, वो जामली की समितियों ने मिलकर वहाँ बढ़िया पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बनाया, और एक और वहाँ पर उन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया। तो मैंने उनको पूछा था कि हम मंदिर बन गया? बोले हाँ महाराज, मंदिर बन गया। कथा हो गई? बोले हाँ महाराज, कथा हो गई। उनकी पूछ पूछ के फर्क पड़ा, जो वहां जो इतने एक्सीडेंट होते थे, कुछ फर्क पड़ा? उस भाई ने मुझे कहा, महाराज जी जब से वह मंदिर बना और जब से हमने वहां पर उस निमित्त भागवत कथा शुरू करना शुरू किया, तब से उस स्थान पर अब एक्सीडेंट होना बंद हो गए। गोपाल कृष्ण भगवान, ये अभी 2-3 साल पुरानी बात अभी है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं। अरे ये हमारा निवार चित्र, हमारा बापूजी, हमारा साधक परिवार। जब तक बापूजी का सन 2000 में लाखापुर में कार्यक्रम नहीं हुआ था, तो वो तो एक्सीडेंट किसी सूक्ष्म आत्मा करवाती होंगी, लेकिन कई भाई लोग दारू पीकर यूं ही अपना एक्सीडेंट करा करते थे। लेकिन बापूजी की कृपा से, बापूजी के सत्संग के प्रभाव से, बापूजी की वाणी के प्रभाव से, इस क्षेत्र में पूरा खरगोन परिसर बापूजी की कृपा से इतना फर्क पड़ा था कि अब इनके जीवन में इस प्रकार की कुछ घटनाएं घटती नहीं है। मैंने तो वहां पर कहा था जाकर में कि यहाँ पर कथा हुई, जो भी हुआ, ये भूत प्रेत पिशाच कौन सी जगह पिकनिक मनाने चल गए? पहले आपने भी देखा होगा, 15-20-25 साल पहले माताओं को भी कितनी भूतड़ी लगती थी, लेकिन नहीं, भाइयों को भी कितने भूत, आप कितने भूत लगते थे, कितनी भूतड़ियां लगती थी। लेकिन जब से बापूजी की कृपा के कारण इस क्षेत्र में ज्ञान सत्र का, ज्ञान सत्संगों का, ज्ञान यज्ञ का आयोजन होना शुरू हो गया, तो इनके श्रवण के प्रभाव से ये तृप्त आत्माएं ये भी मुक्त हो गई, और ये भी धन्यवाद देती है उन लोगों को जो ऐसे दैवीय कार्य करते हैं, जो ऐसे कथा रूपी यज्ञ को अंजाम देते हैं। धन्यवाद वो आत्माएं भी ऐसे जो असमिति आयोजन करती है, जो आयोजनों में अपना तन मन धन लगाते हैं, जो ऐसे आयोजनों में अपना समय लगाते हैं, वो आत्माएं
इस कथा को जितने प्रेम से सुनेंगे उतने हमारे मन का संशय दूर होगा, उतनी हमारी चित्त वृत्ति शांत होगी, और जितनी हमारी चित्त वृत्ति शांत होगी उतना अपने आप हमें आनंद मिलने लगेगा। जिसके सुनने से मिट जाए, जिसके सुनने से मिट जाए जन्म मरण की व्यथा, ये ही हरि कथा, ये है हरि कथा, हरि बोल, ये है हरि कथा, ये है हरि कथा, ये जीवन बिता दिया है।
किसी को श्रोता को श्रोताओं को और वक्ता को कुछ नहीं। शास्त्र तो शासन सिखाता है, शासन शास्त्र तटस्थ है, वो श्रोताओं को भी कहता है कि इस प्रकार से कथा सुनो और शास्त्र वक्ताओं को भी कहता है कि इस प्रकार से कथा करो। क्यों कथा का सार चला गया? कथाकार लोग भी अन्न के लोभ से धन के लोभ से गांव गांव कथा करने लग गए, इसलिए भागवत महत्व में इसका समाधान आता है कि इसलिए कथा का प्रभाव कम हो गया। कथा तो वही है जो सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी और 7 दिन के श्रवण मात्र से परीक्षित का उद्धार हो गया, वही कथा है। कथा में कोई अंतर नहीं है, कथा तो वही है जो गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई थी और मात्र 7 दिन के श्रवण के प्रभाव से धुंधकारी अपने पेट होने से मुक्त हो गया था। कथा वही है, लेकिन कथा तो वही है लेकिन कहने वाले बदल गए और सुनने वाले दोनों बदल गए। सिर्फ गद्य सुनने वालों की भी नहीं है और सिर्फ गद्य कहने वालों की भी नहीं है। शास्त्र तटस्थ होकर दोनों को कहता है कि दोनों सावधान हो जाओ। लोभ के कारण, अन्न धन के लोभ के कारण कथा का सार चला गया, नहीं तो श्रीमद् भागवत तो उसका प्रभाव तो ऐसा आता है, प्रलयम ही गमिष्यति श्रीमद् भागवत ध्वनि कलेर दोषो इमे सर्व शिव शब्दाद प्रका इव। जिस प्रकार शेर की आवाज सुनने से भेड़िए भाग जाते हैं, ये दोनों बातें भागवत में हैं। किसी किसी को लगता है इतना विरोधाभास है, एक तरफ आप इसी बात कर रहे हो दूसरी तरफ ऐसी बात। जिस प्रकार सिंह की गर्जना से भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से कलयुग के दोष दूर भाग जाते हैं। लेकिन कब? जब उनका हेतु शुद्ध हो तब। यदि कहने वाले का भी और सुनने वालों का भी हेतु शुद्ध नहीं है तो कथा का फिर उतना प्रभाव नहीं होता। नहीं तो कथा का तो प्रभाव ये है कि शेर की ध्वनि से जिस प्रकार भेड़िए भाग जाते हैं, किसी जंगल में शेर की ध्वनि की आवाज हो और भेड़िए हो तो कैसे दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा के श्लोकों के उच्चारण से कलयुग के दोष दूर भाग जाते हैं। इसलिए कथा व्यास भी ऐसा देखना चाहिए जो इन दोषों से बचा हुआ हो। कहते हैं एक राजा हर समय हमेशा अपने यहां पर ऐसे कथा का आयोजन करवाता रहता था, लेकिन जो लाभ उसे होना चाहिए था उतना लाभ नहीं हुआ उसे। जितनी आत्मसंतुष्टि मिलनी थी उतनी नहीं मिली, जितना आनंद मिलना था उतना नहीं मिला। कहीं बार उसने कथा करवाई, फिर उसके मन में संशय आ गया कि अरे कथा वथा से कुछ नहीं होता, सब फालतू बातें कर कुछ नहीं होता। एक बार घूमते घूमते एक साधु महात्मा उनके राज्य में आए। किसी ने कहा, पहरेदार ने कहा कि कोई एक महात्मा द्वार पर आए हैं राजमहल के। हाथ से कथा था, प्रेमी था, उसे लगा कि क्यों ना मेरा जो मन में जो प्रश्न है वो आगे में इन महात्मा से पूछूं। राजा ने उस महात्मा को राजमहल में बुलाया, बैठाया, स्वागत किया। तो कथा का प्रेमी इतना तो सही था, पूरी तरह उनका
सत्कार करने के बाद वह राजा उन महात्मा से प्रश्न करता है, हे महात्मा, जितनी महिमा है कथा के शास्त्रों में, लेकिन मैंने कई वर्षों से कथा करवाई फिर भी मुझे उतना लाभ नहीं हुआ, कारण क्या है? महात्मा ने कहा कि राजन, आपके एक सैनिक को बुलाओ यहाँ पर। राजा क्या, एक सैनिक को बुलाया। पुनः महात्मा ने राजा को बोला, राजन एक दूसरे सैनिक को आदेश दो कि इसे इस खंभ से बांध दे। बांध दिया गया। अब महात्मा ने उस राजा से कहा कि अब उस बंधे हुए सैनिक को कहो कि किसी दूसरे सैनिक उसे वो बांध दे। राजा ने कहा, अरे महात्मन, वो खुद बंधा हुआ है, वो क्या कर सकता है? न वह किसी को बांध सकता है, न किसी बंधे हुए को छुड़ा सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो खुद बंधा हुआ है। महात्मा ने हंसते हुए राजा को कहा, राजन यही आपके प्रश्न का जवाब है। जिस प्रकार वह सैनिक बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ सैनिक जिस प्रकार किसी दूसरे को न बांध सकता है न छोड़ा सकता है, उसी प्रकार आपने आज तक जितनी कथा करवाई होंगी वो लोग भी ऐसे होंगे कि जो खुद बंधे हैं, जो खुद बंधे हुए हैं, वो तुम्हें क्या छुड़ाएंगे, तुम्हारे क्या संशयों का समाधान करेंगे? वो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को हम शांत चित्त से, शुद्ध चित्त से सुनेंगे। पांच पांच फायदे होंगे, पांच पांच। पहला फायदा भाव शुद्धि। पहला फायदा भाव शुद्धि। हमारा भाव जो अब हमारा भाव है, यदि हमने ईमानदारी से, यदि हमने श्रद्धा प्रेम निष्ठा से इन सात दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी, तो हमारा भाव शुद्ध होगा। पहला उसका प्रसाद मिलेगा, भाव शुद्ध, भाव शुद्धि होगी। कोई सिर्फ यदि अभी तक सिर्फ एक दिया बत्ती लगाता होगा, तो यदि वो प्रेम से इन सात दिनों में भागवत की कथा सुनेगा, तो मैं जरूर विश्वास कहता हूं कि अगले सात दिनों के बाद वह सिर्फ दिया बत्ती ही नहीं लगाएगा, अब वह 5-10 मिनट बैठकर भगवान के मंदिर में माला लेकर जप करने लग जाएगा। भाव शुद्धि। दूसरा भूमि शुद्धि। जिस स्थान में, जिस ग्राम में, जिस परिसर में इससे दिव्य आयोजन हो, जहां पर ऐसे परम पवित्र ज्ञान यज्ञ हो, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आयोजन हो, वह क्षेत्र की भूमि पवित्र हो जाती है। गोपाल कृष्ण भगवान, वह भूमि पवित्र हो जाती है। भाव शुद्धि, भूमि शुद्धि। मेरे बंधुओं, हमारे भाव भी अशुद्ध भी होते हैं, और ऐसे आयोजनों के करने से, ऐसी कथाओं के सुनने से भाव अशुद्ध भी होते हैं, भूमि भी अशुद्ध होती है, और ऐसे आयोजनों को करने से उस स्थान की, उस ग्राम की भूमि भी शुद्ध हो जाती है। ऐसे आयोजनों से जो इस क्षेत्र के कुछ जो दोष होते हैं, ऐसे आयोजनों से उस ग्राम के, उस क्षेत्र के, उस भूमि के वह दोष भी धीरे 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 नष्ट हो जाते हैं। ये भागवत महापुराण की कथा का प्रभाव है। भाव शुद्धि, भूमि शुद्धि। तीसरा धन शुद्धि।
अब यहाँ पर इतना कोशिश सब हुआ है, किसी तक किसी के पैसे तो लगे, धन तो लगा है यहाँ पर। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम जो धन कमाते हैं उसमें कुछ न कुछ दोष आ जाता है। कोई ये कह सकता महाराज हम तो किसाने करते हैं, हम तो खरे पसीने की कमाई है हमारी, अच्छी बात है, सही बात है। लेकिन किसानी करते हुए भी आपसे जाने न अनजाने जाने अनजाने कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं, तो ज्यादा तो नहीं मात्रा में कुछ परसेंटेज उस धन में अशुद्धि तो है। आप जब फवारी करते हो कपास में, ज्वार में फवारा नहीं मारते, क्या बोलते हो कितने कीड़े मकोड़े इल्ली कितने 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 मर जाते हैं, जाने तन जाने दोष होता है हमसे। तो हमसे जो ऐसे दोष हो जाते हैं और उस कमाई से जब हम कुछ कुछ अंश हम जब ऐसे आयोजनों में खर्च करते हैं तो वह धन शुद्ध होता है। एक बात पूछो, यहाँ एक वेदा में डैम बना है, बड़ा है तो क्या पूरा रस्सा पूरा पाल बांध दिया क्या? पूरा पाल बांध दिया, पूरा पाल पूरा नदी को रोकने के बाद फिर एक कोने से क्या वाटर फ्लो ओवरफ्लो क्या बोलते हैं, साइड से एक पानी निकालते हैं, लेकिन यदि मान लो कि साइड से वह पानी निकालने की व्यवस्था न हो तो काय होएगा, मैं कही दो जरा था सोची समझी कल बताऊं, है ना। एक डैम बनाया है हमने, एक नदी आ रही है, हमने डैम बनाया पूरा उसको पैक कर दिया और कभी हमने साइड से पानी निकलने की व्यवस्था न की तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा डैम पानी से भर जाएगा और उसकी जो दीवार है जो हाइट होने के बाद जो मर्यादित जगह है उसके ऊपर कभी पानी गया तो कभी खतरा है उस डैम के फूट जाने का। इसलिए इंजीनियर लोग कहते हैं, कोई साधु संत नहीं बोलते कि तुम डैम साइड से निकास निकालो, पानी का निकास करो। शायद मुझे लगता है भारत में एक भी डैम ऐसा एक भी बांध ऐसा नहीं होगा जहां से निकास न हो जल जल। होता है कि नहीं होता है? तो जिस प्रकार डैम में पानी रोकने के बाद जितनी व्यवस्था हो गई उसके रोकने के बाद हम साइड से एक पानी निकालने की व्यवस्था बनाते हैं, यदि हम दादागिरी करेंगे नहीं हम चैनपुर वाले यहां से पानी निकलने नहीं देंगे तो क्या होगा? डैम फूट जाने का खतरा है। अरे डैम न भी फूटो लेकिन गांव डूब जाने का खतरा, उसकी हाइट करके पिछले पानी भर जाएगा, गांव डूब जाने का खतरा है। इसी प्रकार मेरे बंधु हो, धन भी एक डैम की तरह है, एक मर्यादित लेवल के आने के बाद कुछ धन ऐसे आयोजनों में खर्च करना चाहिए, नहीं तो वह धन जिस प्रकार वो पानी रास्ता बनाता है डैम का रुका हुआ पानी केवल में आने के बाद अपने निकलने का रास्ता बनाता है, उसी प्रकार यह धन भी यदि हम अच्छी जगह खर्च न करें तो धन भी रास्ता बनाता है, फिर वह धन डॉक्टर की बीमारी के रूप में डॉक्टर के पास जाता है, लड़ाई झगड़े के रूप में पुलिसों के पास वकील के पास हाथ जोड़ के खुशामद करके देना पड़ता है, वकील साहब कुछ भी करो पर लियो पैसा कर काम चुपचाप चुपचाप, फिर वह धन न जाने से कितनी
मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों मुझे दुख। जहाँ भी भगवत पढ़ा रहे होते हो, जहाँ भी परोपकार के कार्य होते हो, जहाँ भी अन्न क्षेत्र चलता हो, जहाँ भी किसी दिन दुखियों की सेवा होती हो, जहाँ भी गरीब लोगों को बच्चों के लिए छात्रावास बनाए जा रहे हो, जहाँ निर्धन बेटियों की विवाह के लिए सामुदायिक समिति बनी हो, मैं एक ही जगह की बात नहीं करता। सामुदायिक जहाँ भी परोपकार के कार्य में अपना वह धन लगना चाहिए, तो वह धन लगने से धन की शुद्धि होती है। और आप सोनखेड़ी वालों ने, मुझे तो कोई बोले महाराज वो बाहर वाले का कोई किसी ने बोला भी कि हमारा पैसा तो उन्होंने मना किया, लेकिन मैं तो सोनखेड़ी वालों से भी कहूँ कि कोई यदि अपनी स्वेच्छा से यदि आपको कोई सहयोग करके अपना धन शुद्ध करना चाहता है स्वेच्छा से, तो आप उन्हें यह अवसर प्रदान करो, उन्हें भी कुछ सेवा का अवसर दो। मुझे लगा कि मुझे तो कोई हम तो सोनखेड़ी वाले सब करेंगे, अच्छी बात है, धन्यवाद आपकी निष्ठा का। एक बार बार इन गाँव वालों को जोरदार ताली बजना चाहिए, जो किसी के ऊपर बोझा नहीं डालना, सिर्फ गाँव वाले। लेकिन कोई यदि प्रेम से स्वेच्छा से अपना समझ कर कि ये सिर्फ सोनखेड़ी का नहीं है, ये हम चैतन्य साधक परिवार हमारे बापूजी का और हमारे भगवान का काम है, हमें भी कुछ सेवा का अवसर दो। और इस प्रकार से नमित्र भाव से, नम्र भाव से, अपने पद के भाव से, अपने गुरुजन के अपने इस भाव से यदि कोई यहाँ सेवा देना चाहता है, तो मैं समिति से प्रार्थना करूँ कि उनकी वह सेवा स्वीकार करो। तीन चीज बताई मैंने, तीन शुद्धि, क्या क्या दो बाकी है भूल गया, भाव शुद्धि, भाव शुद्धि, भूमि शुद्धि, तीसरा धन शुद्धि, चौथा तन शुद्धि। चौथा फायदा होगा यदि हम इस भागवत प्रथम अमृत का पान करते हैं तो तन शुद्ध होगा। तन ये इतना आयोजन है तो कोई भूत ने आकर तो कैंटर लगाए नहीं। सब ग्रामवासियों ने मिलकर यहाँ किसी न किसी रूप में, किसी ने तन से सेवा की है, किसी ने खेती सफाई की सेवा की होगी, किसी ने किसी रूप में सेवा की होगी, किसी ने जमीन लेवल करने की सेवा की होगी, किसी ने हर किसी न किसी सदस्य ने किसी न किसी रूप में तन से यहाँ सेवा की है, इसलिए इतना सुंदर नजारा आज यहाँ पर उपस्थित है। तो जो यहाँ पर तन से सेवा करेगा तो उनके तन की शुद्धि होगी। माताओं को हमें तो कई कुछ नहीं किया कर, अरे आप लोग आकर प्रेम से यहाँ बैठ कर कीर्तन में ताली भी बजा रहे हो तो ये भी तन की सेवा है। ताली बजाने से हाथ पवित्र होंगे, भाव शुद्धि, भूमि शुद्धि, धन शुद्धि, तन शुद्धि, और पांचवा है सबसे महत्वपूर्ण मन शुद्धि। इस भागवत कथा के श्रवण से इन पांच पांच प्रकार की शुद्धियां आपकी और हमारी होगी, सिर्फ आपकी ही नहीं मेरी भी, क्योंकि ये कथा सिर्फ सुनने वालों को फायदा नहीं देती, यह कथा तो कहने वाले को भी फायदा देती है। यह तो ऐसा दीपक है जो घर के डेहली पर लगा है, जो जिसका उजाला अंदर भी जाता है और जिसका उजाला बाहर भी जाता है। यह कथा तो ऐसा प्रसाद है जिसका लाभ सुनने वालों को भी होता है और उसका लाभ कथा कहने वाले को भी होता है। मेरे बंधु, इन पांच पांच प्रकार की शुद्धि को हमको इन सात दिनों में आत्मसात करना है। चलो थोड़ी सी कथा में प्रवेश, अभी तो कथा शुरू ही नहीं, भूमिका बनाने
श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रथम श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशा श्रीकृष्ण वयम् नमः। प्रथम श्लोक आता है कि कैसा है वह परमात्मा जिसकी आप और हम कथा सुनने के लिए बैठे, कैसा उसका स्वरूप क्या है। हाथों में मुरली है वो तो है, मुकुट लगा है, मोर पंख लगा है वो तो है, कानों में कुंडल है। लेकिन महात्म में भगवान श्री कृष्ण की अलग छवि प्रस्तुत की है। कैसा है वो परमात्मा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, सत चित और आनंद का मिश्रण है परमात्मा, सत्य चित और आनंद इन तीनों का मिश्रण है परमात्मा। तो ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा की हम सब कथा श्रवण करने जा रहे हैं। मेरे बंधु, इस कथा को सुनने से पांच प्रकार की शुद्धि और वो तीन प्रकार के लाभ श्लोक में आ रहा है। तापत्रय विनाश, तीन प्रकार के तापों का नाश होगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, पांच प्रकार की शुद्धि और तीन प्रकार के त्रासों से मुक्ति, ये इस प्रकार के आठ प्रकार का लाभ है आपको और हमको। आइए उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चले जो बड़ी पवित्र भूमि है और जहाँ 88,000 ऋषिजन विराजमान है और वहां पर शौनकादिक मुनि सूत जिसे प्रश्न करते हैं कि आप हमें कुछ न कुछ ऐसी कथा सुनाओ जिसके सुनने से हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़े। 88,000 ऋषिजन है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिजनों, हे शौनकादिक मुनियों, आप मुझसे पूछते हो कि शास्त्र, लेकिन जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा था और शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी, यदि आप और हम मिलकर भागवत कथा का श्रवण करें तो कलयुग के दोषों से हम बच सकते हैं। सूत जी शौनकादिक मुनियों को कहते हैं, पुनः सूत जी कहते हैं कि हे देवता, हे ऋषिजनों, जब परीक्षित को शुकदेव जी कथा सुनाने के लिए आए उस समय एक घटना घटी। देखो कितना महात्म्य है इस कथा का। जिस समय शुकदेव जी मुनि कथा प्रारंभ की उसी समय देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए धरती पर। धरती पर अमृत का कलश लेकर आए और शुकदेव महाराज से प्रार्थना की कि आप जो यह सात सात दिन की भागवत कथा परीक्षित को सुनाना चाहते हो, आप इसलिए सुना रहे हो ना किसी श्राप लगा है। एक काम करो, आप परीक्षित को हम स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं, आप परीक्षित को यह अमृत पिला दो और यह सात दिन की कथा का पुण्य आप हमें दे दो। देवता लोग शुकदेव मुनि से प्रार्थना करते हैं। तब शुकदेव जी मुनि हंसते हुए कहते हैं कि हे देवताओं, तुम बड़े चालाक हो। शरीर
अजर अमर हो जाएगा। लेकिन इस भागवत कथा के श्रवण के प्रभाव से, इस भागवत कथा अमृत के पान से शरीर अजर अमर नहीं होगा, शरीर के जन्म मरण का चक्र ही मिट जाएगा। फायदा उस अमृत को पीने में नहीं है, फायदा इस भागवत कथा अमृत को पीने में है। भागवत कथा दिव्य जीवन देगी, भले ही 5-25 की छोटी सी इसकी जिंदगानी। भागवत कथा दिव्य जीवन प्रदान करेगी और वह स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवन, लंबा जीवन, न जाने कब मरेंगे। कभी कभी तो ऐसा भी आता है कि जो लोग अमर हो गए अश्वत्थामा जैसे, आज अपने अमरपने को लेकर वो परेशान। मेरे बंधु, बड़े भाग्य से आपको और हमको यह भागवत कथामृत मिला है। 7 दिन इसे बड़े जतन करके संभाल कर रखना इस कथामृत को। भाग्यो दयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम जलवते पुरुषो यदा वे अज्ञान है कृत मोहमदा विवेक। बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य से ये आयोजन ऐसे होते हैं। मैंने कई बार इस चीज को लेकर मैं कहता हूँ कि कहीं लोगों के साथ लगता है कि हाँ ये तो संतों का काम है, भाग्य भाग्य भाग्य। ऐसे आयोजनों की खूब बोलते हैं बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य से। अरे ये भाग्य नहीं तो क्या कि कोरोना काल में अच्छे अच्छे धुरंधर चल गए, जिनके पैसे को ढेर लग गए, जिनकी तिजोरियों में ऐसे धुरंधर लोग चले गए, धनपति चले गए, बॉडी बिल्डर लोग चले गए। ऐसे कोरोना काल से भगवान ने आपको और हमको बचाकर इस भागवत कथा पंडाल में लाकर बैठा रखा है कि भाग्य नहीं तो दुर्भाग्य है।
क्या हो गया श्रवण खेड़ी में, उन लोगों ने ये चर्चा करना चाहिए कि सोन खेड़ी में अब सोन खेड़ी नहीं, सात दिन श्रवण खेड़ी भागवत कथा का श्रवण रूपी अनुष्ठान सप्त दिवसीय अनुष्ठान हो रहा है और अनुष्ठान में सबने व्रत ले रखा है कि सात दिन हम क्रोध नहीं करेंगे, सात दिन से जितनी हमसे बन सके हम सेवा करेंगे। हमारे जो भाई लोग हमको लेने आए थे गाड़ी से, हमने उनको कहा कि अरे फाटे से यहाँ तक कुछ बस बस कुछ है क्या सेवा, कोई है व्यवस्था? बोले महाराज जी चिंता मत करो, जितने भी लोग कथा के लिए आएंगे फाटे
से यहाँ तक आने जाने की व्यवस्था हम सब करेंगे कि धन्यवाद। इन 7 दिनों में अक्सर लुटना है, सोन केड़ी सोना बना लो अपने इन 7 दिनों को, ये 7 दिन स्वर्णमय हो जाए आपके जीवन में। इन 7 दिनों में आपके ग्राम में परिवर्तन दिखना चाहिए, आपके घर में एक परिवर्तन दिखना चाहिए, माँ बाप को परिवर्तन दिखना चाहिए। मेरा बेटा जरा 7 दिन जरा अलग हो गया, कहा से जरा सी बात बिल्कुल पिछले स्तंभ मारता मारता ये बेटा पानी ला दे, गोली लेगा डोकर ले ले, जो जरा सी बात नहीं सुनता था। इन 7 दिनों में हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में ऐसा परिवर्तन देखने को मिले, बस प्रेम की गंगा बहे। इन 7 दिनों में ऐसा लगे कि हमारा यह सोनगढ़ी भावमय बन गया है, वृंदावनमय हो गया है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ सेवा ही सेवा।
कथा में प्रसंग
चल रहा था, कभी किसी जीव को तकलीफ नहीं देना चाहिए, कभी किसी जीव को कष्ट देना नहीं चाहिए। कथा तो बहुत सारी चली, लेकिन उस बेटे के चित्त में एक बात ये फिट बैठ गई कि कभी किसी जीव को तकलीफ नहीं देना चाहिए, और कभी किसी भूखे को भोजन देना चाहिए, कभी किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए। कुछ बात उसके दिमाग में बैठ गई। अब यहाँ भी कितने सारे लोग बैठे, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे में कुछ बात उनके ध्यान में रखती, बाकी तो फिर राम राम क्या कहते। कुछ बातें हर लोगों के मन में अलग अलग बातें याद रह जाती है। महाराज ने वो बात बोली थी अपने अपने काम के हिसाब से, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से। अब उस पुत्र के मन में कुछ बातें रह गई कि किसी भूखे जीव को भोजन कराना पुण्य की बात है। कथा सुनकर आया, शाम के समय दुकान पर बैठा और एक गाय आई, उसकी थी दुकान अनाज की। एक गाय आई और वो अनाज खाने लग गई, गेहूं का बोरा। अब वो सोचे इसको भगा दो, तो उसे कथा की बात याद है कि पंडित जी ने कहा कथा में आया कि भूखे को भोजन कराना चाहिए, और हम बोलते भी तो हैं गाय हमारी माता है। उसको लगा कि भगा दो, पर थोड़ा सा तो खा लेने दो। अब उसका बाप अंदर से कमरे में से देख रहा था, उसने सोचा कि अरे ये मेरा लड़का आज तक तो कभी तो ऐसा किया नहीं, आज ऐसा क्यों किया कि गाय गेहूं खा रही है और ये बैठा बैठा देख रहा है, भगा नहीं रहा है। बाप दौड़ कर आया और आगे तो उसकी गाय को भगाया। गाय को भगाने का मतलब बेटे को डांटने लगा, तो दिख नहीं रही, वो दौड़ा फूटेगा ना, क्या बोलते नहीं बड़ा थोड़ा सा खा ले फिर भगा दूंगा। बोले ज्यादा ज्ञानी बन गया? बोले ज्ञानी नहीं बना। बोले पिताजी आपने तो मुझे कथा में भेजा, पर कथा में मैंने ऐसा सुना कि कभी किसी जीव को तकलीफ नहीं देना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए। वो गाय भूखी थी, मैं सोचा थोड़ा सा खा लेते फिर भगा दूंगा उसको। अब पिताजी ने कहा कि ये बात तो कथा में सुनकर आई। बोले बोले हाँ। बोले बेटा कथा ऐसी नहीं सुनना पड़ती। पिताजी कैसे सुनना पड़ती है? बोले मेरे जैसे। बोले पिताजी आप कैसे सुनते हो? बोले सुन बेटा, मैं जब कथा में जाता हूँ 3 घंटे तो प्रेम से कथा सुनता हूँ, और 3 घंटे बीतने के बाद जब आरती होती है, आरती होने के बाद जब मैं खड़ा होता हूँ, और खड़ा होने के बाद जब मैं धोती झटकता हूँ, तो धोती झटकने के साथ साथ कतरा कचरा तो झटक ही देता हूँ। महाराज ने जो जो भी बात की वो सब झटक, महाराज तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोले बेटा इस प्रकार से कथा सुनना पड़ती है, कथा की को बातें को दिमाग में भरकर घर थोड़ी लाई जानी पड़ती है। वो तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हे गुरुदेव है कथा सुनाने वाले महाराज तुम्हारी बातें तुमको मुबारक, 3 घंटे धन्यवाद आपने कथा सुनाई। उठे धोती झटके जितनी बातें भी थी वो झटक कर जाओ, तो झटक कर घर आना पड़ता है। इसी प्रकार से हम कथा सुने तो सुने, लेकिन सुनने के साथ साथ इस कान से न निकाले, इस कान से न निकाले, इस कान से सुने, इधर से निकाला नहीं, उसको अंदर से फिर हृदय, मैंने कहा कर्ण रंध्रेन, भगवान कर्ण के रास्ते से ही हृदय में प्रवेश करते हैं। जब सूत जी ने शौनक मुनियों को भागवत की महिमा सुनाई, तब शौनक आदि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज भागवत कथा श्रवण की परंपरा कब से चली? तो सूत जी ने कहा सनंदन सनातन और सनत कुमार ने देवर्षि नारद को यह कथा सुनाकर इस कथा की शुरुआत की। कथा तो बहुत प्यारी प्यारी है कि एक बार ब्रह्मा जी को भी इस भागवत कथा के ऊपर ऐसा शंका आई कि जो महिमा भागवत की गाई हुई है क्या ये सत्य है क्या?
सुना है कि ब्रह्मलोक में तराजू के ऊपर एक पलड़े में भागवत ग्रंथ को और एक पलड़े में अन्य अन्य ग्रंथों को रखा, और उस पलड़े में जब भागवत का ग्रंथ का जो पलड़ा था वो नीचे झुका झुका, तब सब देवताओं को लगा कि सच में जो भागवत की महिमा गाई हुई है वो सत्य है। कब से भागवत कथा शुरू हुई? तब सूत जी कहते चारों सनंदन सनातन सनत कुमार ने देवर्षि नारद को यह कथा सुनी। पुनः सनकादि मुनियों ने प्रश्न किया कि देवर्षि नारद जो एक जगह टिकते नहीं, उन्होंने यह कथा क्यों सुनी? कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो कोई उनके बारे में भरोसा ही नहीं करता, भरोसा नहीं आता। किसी को लगा सोन खेड़ी वाले कथा, कईयों को लगा वो कुछ दो चार लोगों से कथा हो रही है क्या, दो चार भाई लोगों से कथा हो रही है क्या। लेकिन देखो कभी कभी कथा भी अपनी जगह पर चुनती है। मुझे भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी तारीख भी हो जाएगी, इतनी जल्दी ये लोग इतनी बढ़िया तैयारी भी कर लेंगे। लेकिन वो हमारे श्यामलाल भाई पता नहीं क्या कौन सी एनर्जी आ गई, वो तो पीछे ही पड़ गए, वो तो वहां आ भी गए, बाबा जी के साथ सामने लेकर अपनी जिज्ञासा भी रखी, बाबा जी ने हाँ भी कहा, और देखो उनकी जिज्ञासा के कारण उनके साथ सभी लोग मरतोतालाल भाई और बाकी पूरी टीम सभी भाई लोग आए, और देखो सबकी मेहनत से सबके प्रयास से पूरे गांव वालों के सहयोग से देखो ना कितना प्यारा एक यह दरबार सज गया भगवान का। तो चौनक मुनि ने प्रश्न किया कि नारद जी जैसे जो एक जगह टिकते नहीं, उन्होंने कथा क्यों सुनी? तब सूत जी कहते कि एक बार जब नारद जी इस पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले इस भ्रमण के उद्देश्य से निकले, और जब उन्होंने इस पृथ्वी की दशा देखी तो पृथ्वी की दशा देखकर पृथ्वी के जीवों की दशा देखकर कलयुग के जीवों की दीन दशा को देखकर बड़े दुखी हो गए। बड़े दुखी हो गए। आश्रमों में भी नाम तो है त्यागियों का आश्रम, लेकिन है बड़े 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 आश्रम। नाम तो है मौनी बाबा का आश्रम, लेकिन वहां हो रही है चिल्लाहट झगड़ा। जब आश्रम की इसी हालत देखी तब बड़ा दुख हुआ। तीर्थों में गए, तीर्थों का तीर्थत्व कम हो गया, तीर्थों की इससे हालत दुखी थी तो बड़े उदास हो गए। तब नारद जी घूमते घूमते वृंदावन आए, और वृंदावन में उन्हें पुनः भक्ति की शक्ति का एहसास हुआ। लेकिन वहां भी उन्होंने दृश्य देखा कि एक युवती स्त्री दो बूढ़े जर्जर पुरुष उसके साथ बैठे हैं, और वह युवती स्त्री रुदन कर रही है। नारद जी उस स्त्री के पास गए और उसे पूछा क्या हो गया है आपको जो आप रुदन कर रही हो? तब वह स्त्री कहती नारद जी मैं भक्ति हूं, और ये दोनों है ना दोनों तो जर्जर अवस्था में आपको दिख रहे हैं, ये बूढ़े नहीं है, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। लेकिन देखो किसी कलयुग के कारण देखो मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो गए हैं, मैं इनके दुख से दुखी होकर रुदन कर रही हूँ। कौन सी माँ होगी जो जिनको खुद तो युवा रहे लेकिन उसके बेटे कभी जर्जर हो जाए वृद्ध हो जाए तो कौन माँ खुश रह सकती है? भक्ति महारानी ने नारद जी से प्रार्थना की कि हे नारद जी हमने तो सुना है कि जिसको आपके दर्शन हो जाए उसके जीवन में दुख रहता नहीं, उसका कष्ट मिट जाता है, हमें आपके दर्शन हो गए, अब हमारी प्रार्थना सुनो, मेरे दुख का निवारण करो, मेरे जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य ये जो जर्जर अवस्था में है आप खुद ऐसा उपाय करो कि इनका यह जर्जर अपना इनका यह जो इनका शरीर कृषि हो गया है ये वापस करो हो जाए, ऐसा कुछ उपाय करो मेरे बंधु। नारद जी ने
कई प्रकार के उपाय किए। गीता के श्लोक सुनाए, वेदों के मंत्र सुनाए, उपनिषदों की ऋचाएं सुनाए, लेकिन उन जो ज्ञान और वैराग्य है वो थोड़े से शुद्ध में आते हैं लेकिन पुनः वापस। मेरे बंधु क्योंकि कथा पढ़े लेकिन क्या आज के जीवन की हमारी हकीकत नहीं है क्या? आज ज्ञान और हमारा वैराग्य केसर से कभी कथाओं को सुनकर अभी तो हमको लगता है कि नहीं नहीं अब तो हम भगवान के भक्त बन जाएंगे, अब तो हम सब पूरे काम छोड़ देंगे, अब तो हम बिल्कुल मालकरी हो जाएंगे, अब तो हम अच्छे हो जाएंगे। जिस प्रकार नारद जी उन मूर्छित ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाकर जरा सी उन्हें होश आती है कि आपकी हमारी गति ऐसी नहीं की कथा सुनकर तब तक तो लगता है कि नहीं नहीं, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद वापस। पुनः प्रयास करते हैं नारद जी, कुछ संतों से प्रश्न करते हैं क्या उपाय करूं कि जिससे ज्ञान वैराग्य मूर्छा दूर हो जाए। संत कोई कहते हैं कि हमारा मौन है। अब संत भी आश्चर्य करे, नारद जैसे देव ऋषि वो यदि समस्या लेकर हमसे पूछे तो कौन उनके सवालों का जवाब दे। कोई ऋषि कुछ बहाना करता है, कोई ऋषि कुछ बहाना करता है, लेकिन उनका कुछ समाधान नारद जी का होता नहीं। घूमते घूमते नारद जी बद्री का आश्रम में गए और वहां पर चारों ऋषियों का दर्शन हुआ, सनकादिक मुनियों का दर्शन हुआ। और सनकादिक मुनियों ने नारद जी को पूछा कि आप उदास क्यों हो? तब अपनी व्यथा नारद जी ने सनकादिक मुनियों को कही। नारद जी को कही, चारों मुनियों ने नारद जी को कहा कि नारद जी आपने उन्हें गीता का श्लोक सुनाए, आपने उन्हें वेदों के मंत्र सुनाए, आपने उन्हें उपनिषद की ऋचाएं सुनाई, पर आपने उन्हें श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनाई। अब देखो सनकादिक मुनि और नारद जी के बीच का संबंध अच्छा समझने जैसा है। नारद जी कहते कि अरे मैंने जब आप मुझे कह रहे हो कि भागवत की कथा सुनाओ, लेकिन मैंने तो उन्हें पूरा वेदों की ऋचाएं सुना, जिन वेदों से भागवत आई है मैंने तो उन्हें वही सुना, उससे जब उनका फायदा नहीं हुआ तो भागवत कथा से क्या फायदा होगा? तब सनकादिक मुनि नारद जी को कहते हैं कि जो मजा आम के फल को खाने में है, तो यदि कोई बच्चा आम का फल खाकर जो मजा आता है और कोई उसे कहे कि बेटा ये जो आम का फल लगा है ना, ये आम जो जो ये पेड़ है इस पर लगता है ये, अब उस नादान बच्चा उसको लगे कि आम का फल में इतना मजा है तो पेड़ है जहां ये लगता उसको जितना मजा होगा, अब वह बच्चा जाकर कभी आम के पेड़ के तने को चाटने लग जाए, खाने लग जाए, तो उसे आम वाला रस मिलेगा क्या? मुझे बोलो जरा, मिलेगा क्या? शकर तो गन्ने से ही बनती है, गुड़ तो गन्ने से ही बनता है, और आपको चाय बनाना है और बाजार के दिन आप साटा ले आए, के साटा गन्ना क्या बोलते थे, गन्ना साटा गन्ना, बाजार के दिन कोई गया गन्ना ले आया और दैवयश किसी कारण से उस दिन चाय बनाने की बारी आई और शक्कर खत्म हो गई, तो कोई भाई बोले अरे शक्कर नहीं तो कोई बात नहीं, गन्ना तो गन्ने से तो शक्कर बनती है, कम उसके चार टुकड़े कर डाल दूध में पत्ते बना चाय, बोलो मुझे चाय बन जाएगी, कोई बना लेगा क्या? बनेगी नहीं बनेगी। अरे शक्कर बनी जरूर है गन्ने से, लेकिन गन्ना अलग चीज है, शक्कर अलग चीज है। उसी प्रकार ये भागवत आया हूँ उसी वेदों से, निगम निगम पुत्र गल्पम फलम, उसी वेदों के डाली पर लगा हुआ फल है ये, आया है उसी वेदों रूपी वृक्ष के ऊपर लगा हुआ यह फल, लेकिन निगम निगम पुत्र गल्पम फलम उस वेदों के ऊपर लगा हुआ गलितम पर पका हुआ फल है ये,
किया हो, उस जाम को आम को कोई मिट्ठू कोई तोता कभी चोंच मार दे तो उस जाम का टेस्ट स्वाद बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तपस्या का अहंकार छोड़कर, अपना ज्ञान का अहंकार छोड़कर, हम बद्रिक आश्रम में रहने वाले तपस्वी जन है, इस अहम को छोड़कर हरिद्वार आओ, नीचे उतरो, अपने ज्ञान के सप्तम भूमि का जल नीचे उतर कर, और नीचे उतर कर ज्ञान के अभिमान को एक तरफ रख कर इस भागवत कथा का सुन, तभी तुझे इस भागवत कथा अमृत का सच्चा आनंद मिलेगा। ये तो हो गई बद्रिक आश्रम में रहने वाले ज्ञानियों की बात, लेकिन नीचे के लोगों को भी कहा कि मत अपने आप को दीनहीन मानो, मत अपने आप को पापी मानो, मत अपने आप को नीच कोटि का मानो। भागवत कथा कहते हैं कि तुम थोड़ा सा ऊपर आना सीखो, तुम हरिद्वार में आओ, ये कथा सबके लिए सुलभ है, ज्ञानियों के लिए भी सुलभ है, तो अज्ञानियों के लिए भी सुलभ है। समतल क्षेत्र में कथा रखने का मतलब था कि जो अपने आप को दीन मानते हैं, जो अपने आप को हीन मानते हैं, जो अब लोग नहीं नहीं ये कथा अपने बस की बात नहीं है कि नहीं नहीं ये तो बड़े लोगों का काम है, कि नहीं नहीं ये तो ज्ञानियों का काम है, शायद सनकादि मुनि और नारद जी का एक गुप्त भाव ये भी रहा होगा कि हरिद्वार में जाकर कथा करे तो ज्ञानी अपना ज्ञान छोड़कर आकर वहां कथा सुने, और जो जो दूसरे लोग हैं वो अपनी हृदय ग्रंथि जो उनके लिए हीनता की ग्रंथि आ गई है कि हमारे बस का नहीं, वो अपनी हीनता की ग्रंथि को छोड़कर आए कि हम भी इस भागवत कथा के सुनने के अधिकारी हो सकते हैं। और आनंद वन में सनकादिक मुनियों ने नारद जी को कथा सुनाई, और उस कथा के श्रवण के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हुई। उस कथा के श्रवण के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हुई, और भक्ति महारानी तीनों के तीनों नृत्य करते हुए बीच सभा में प्रकट हो गए। ऐसे ही यह कथा की महिमा। मेरे बंधुओं, हमको मौका मिला है तो 7 दिनों में खूब आनंद ले हम कथा का, इन 7 दिनों में खूब आनंद, क्योंकि मौका बार बार आने वाला नहीं है। इन 7 दिनों को एक अनुष्ठान के तौर पर खूब प्रेम से जतन करके रखो, आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बार आनंद ले लो रे सत्संग का, मौका मिले न बारंबार, आनंद ले लो रे सत्संग का। भाग बजारे तू न मन सितन पायो, भाग बजारे
भजन सत्संगत करी हरि भजन सत्संगत करी हरि भजन सत्संगत करी हरि भजन सत्संगत करी गुरु पाशाच को ध्यान में धरी श्रीमद् भागवत के सुनने
ज्ञान वैराग्य इन्हीं की मूर्छा दूर होती कि किसी पापी का भी उद्धार हो सकता है। प्रश्न किया है देवर्षि नारद ने सनकादियों से कि आपके इस कथन से कथा से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा तो दूर हो गई, लेकिन क्या किसी पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है? सनकादि मुनि नारद जी को कहते कि हाँ, पापी ही नहीं, जो पापी पाप करके मर गया हो और प्रेत योनि में चल गया हो, तो उस प्रेत योनि में गए हुए जीव की भी इस भागवत कथा के श्रवण के प्रभाव से उसकी मुक्ति हो सकती है। पर मेरा तो ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है कि भागवत कथा का तो प्रभाव है, शास्त्र वचन को झूठा नहीं, हमको समझे न समझे वो अलग चीज है। आप पर हमारे दिमाग में कुछ बातें बैठे न बैठे वो आप पर हमारे दिमाग की कमजोरी है, शास्त्र वचन तो परम सत्य है। यदि कोई पापी पाप करके मर गया और उनके परिवार में कोई गोकर्ण जैसा अच्छा भाई हो गया तो उसकी कथा करा के मुक्ति कर लेंगे, लेकिन मुझे बताओ आज के कलयुग में धुंधकारी जैसे भाई तो बहुत है, लेकिन गोकर्ण जैसा भाई कहां से लाओगे? विचार की बात है, विचार की बात है कि ठीक है भागवत से पापी पाप करके मर गए तो परिवार वाले को कथा करा लेंगे, धुंधकारी पाप करके मर गए तो गोकर्ण जी ने कथा कराई, लेकिन आज धुंधकारी जैसे तो कई है, लेकिन गोकर्ण जैसे भाई कितने हैं आज? है बहुत कम, उंगली पर गिनने जैसे। और मान लिया कि गोकर्ण जैसे भाई है तो मरने के बाद भटकने के बाद हमारी मुक्ति हो, उससे तो ये कितना अच्छा है कि हम जीते जी किसी परम सतगुरु में के शरण में जाए और जीते जी हम प्रेत न बने, जीते जी हम नर से नारायण बन जाए किसी गुरु के शरण में जाने के बाद। हमें प्रेत बनकर किसी कथा का मोहताज नहीं बनना है, हम तो जीते जी अपने परम गुरु के शरण में जा जाकर जीते जी मुक्त हो जाए। क्यों किसी की हमें वो करे, वो हमारे परिवार में वो हमारी मुक्ति के लिए कुछ करे, क्यों हम किसी के ऊपर निर्भर रहे? कोई कराए न कराए किसने देखा? हम तो इस भागवत कथा से हम तो ये सीखे, हम तो ये जाने, हम तो ये समझे कि हम अपने मुक्ति के लिए किसी दूसरों के ऊपर आश्रित न रहे, हमको भगवान की कृपा से बापू जैसे सतगुरु मिले हैं, भगवान की कृपा से हमको मनुष्य तन मिला है, भगवान की कृपा से हमको भागवत कथा मिली है, तो हम जीते जी मुक्त हो जाए, हम मरने के बाद मुक्त न हो, हम जीते जी मुक्त हो जाए। लेकिन भागवत तो गारंटी लेती है कि मरने के बाद भी मुक्त। एक बात पूछो, मान लो आपको यहाँ से टू व्हीलर से झिरलिया जाना है, झिरलिया जाना है, आपके पास टू व्हीलर है और रास्ते में आपकी गाड़ी पंचर हो गई, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, तो आप जो समझदार होगा वह पंचर की गाड़ी को वहीं रखेगा और किसी एक का सहारा लेकर जरूरी काम निपटाने झिरलिया चला जाएगा, ठीक है? और जो ना समझ वो पंचर को धकाते धकाते पसीना बहाते बहाते चिल्लाते रोते करते बड़ी मुश्किल से झिरने पहुंचेगा। अब दोनों में समझदार कौन? जिसने किसी दूसरे से हाथ देकर लिफ्ट ली किसी गोरो का, भाई मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मैं जरूर काम मेरी गाड़ी पर बैठा चल ले चल झिरने, वो समझदार है कि जो पंचर गाड़ी को बैठ सकता नहीं चला तो सकता नहीं, अब वो धीरे धीरे धकाते 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 जा रहा है। दोनों में समझदार कौन? समझदार कौन? समझदार वो जिसने किसी से हाथ रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े लिफ्ट ली और चला गया, जिसने अपना काम कर लिया। ये बात कहने का पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि हम हमारी साधन शरीर रूपी गाड़ी से हम अपने अध्यात्म की यात्रा तय कर रहे हैं। इस शरीर रूपी गाड़ी से हम अध्यात्म रूपी यात्रा तय कर रहे हैं और रास्ते में कभी
कभी हमारी गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी पंचर हो गई तो हम फिर ऐसा नहीं कि हम गाड़ी पंचर हो गई तो पंचर को ही लेकर जिंदगी भर चलाते फिरे, गाड़ी पंचर भी हो गई तो रास्ते में कोई हमें सत्संगी मिले, रास्ते में कोई हमें गुरु बंधु मिले, रास्ते में कोई हमें ज्ञानी मिले, रास्ते में कोई हमें समझदार मिले, तब वो समझदार के हाथ जोड़े कि भैया मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मेरे से कुछ गलती हो गई, एक काम कर मुझे तू तेरे साथ ले, तू तेरे साथ लेकर ले चल मुझे तेरे साथ गुरु के द्वार पर। मैं भी आप लोगों से प्रार्थना करूं, माताओं से, भाई लोगों से, कि आपके गांव में यह प्यारी सी कथा चल रही है, आप भी जो भी अपने रिलेशन में हो, जो भी अपने संपर्क में हो, उनको भी कहो कि हमारे गांव में सोनखेड़ी में भी बढ़िया भगवान श्री कृष्ण की कथा, भागवत कथा चल रही है, आओ सुनो। हम प्रेत बनकर किसी दूसरे की कथा के भरोसे में रहे, हम इस जीते जी इस भागवत कथा को सुने और जीते जी हमारे हृदय में भगवान के प्रति, जीते जी हमारे हृदय में सतगुरुदेव के प्रति भक्ति बढ़े, तो मरने के बाद हमें प्रेत नहीं बनना पड़ेगा, मरने के बाद सीधे हम अपने गुरु के चरणों में पहुंच जाएंगे। और समझदारी यही है, हम अपने गुरु के द्वार पर चले जाएं। अभी भजन जब कल के 3:30 बज गई, अभी कीर्तन करें और उसके बाद में आरती करें। चलो अरे बिना नंबर की गाड़ी गुरु जी मरे, yeah।
अरे बैठ गया सब नारी गुरु जी बिना बिना नंबर किया गाड़ी रे हो।
बिना नंबर की गाड़ी में बैठ गए वो भी आ रहा हूँ। 7 दिन उतरना पड़ता था बापू के घर से भगवान के। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आरती के लिए यथाशीघ्र व्यास मंत्री के सामने आने की कृपा करेंगे श्री आसाराम जी मंडलोई, लोभी लाल जी पटेल, गन्नो लाल जी जायसवाल, गड़बड़ जी पटेल, श्री राम जी पटेल, लखन लाल जी गंगराड़े, गन्ना लाल जी जायसवाल, गोपाल जी पटेल, मस्तराम जी यादव, श्री सजाना की ठेकेदार तोताराम जी पटेल, दरियाव भाई मंडलोई, देवगिरी समिति से भी हमारे साधु को बता रहे हैं, गोरखपुर हमारे तिलोकधन जी जयसवाल आरती के लिए यथाशीघ्र सामने आए। भैरव भाई दांगुड़े, भैरव भाई दांगुड़े आप भी, भैरव भाई बारे बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटा।
बनाने वाला, बकरी को बनाने वाला, बकरी बोल जग पत्ती बोल बलवारी बताने वाला, बकरी को बनाने वाला। राम यही बन जा यही, राम यही बन जा यही, राम यही बन जा यही, यही महिमा दे आरती। अब यो